सोलन के शूलिनी मंदिर में आज विवाह का आयोजन किया गया। यह विवाह का आयोजन इसलिए खास था क्योंकि यह विवाह सामाजिक संस्था शूलिनी सेवा दल द्वारा करवाया जा रहा है। शूलिनी सेवा दल पिछले कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहा है और वह कई गरीब परिवार से संबंध रखने वाले युवाओं का विवाह वह करवा चुके हैं। आपको बता दें कि यह विवाह बेहद धूमधाम से आयोजित किया जाता है। सभी रीति रिवाजों को पूर्ण रूप और श्रद्धा से निभाया जाता है। किसी भी तरह की कमी विवाह में नहीं रखी जाती है, जिसमें संस्था के सभी लोग बेहद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने मीडिया को दी। सुशील चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था द्वारा पहले गरीब लोगों के लिए केवल भंडारे का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब उनके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाया जाता है। उनकी संस्था द्वारा अभी तक 23 शादियां करवाई जा चुकी है। 24वीं शादी उनके द्वारा आज करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था बेहद धूमधाम से गरीब कन्याओं का विवाह करवाती है और अपनी बेटी समझकर सभी सदस्य विवाह में भाग लेते हैं। बारात की खातिरदारी भी पूरे जोश के साथ की जाती है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, इस माह में विवाह होना बेहद महत्वपूर्ण है। वह कामना करते हैं कि दूल्हा दुल्हन का भविष्य बेहद उज्जवल हो। तो ये शूलिनी सेवा दल है, हमने जो इसे 28 सितंबर 2014 से बनाया था और हमने एक भंडारे से शुरू किया था और उसके बाद आज हम 124 भंडारे ऑलरेडी करवा चुके हैं। और यहाँ पर जहाँ तक शादियों की बात है, हमारे पास ऐसे ही एक ऑप्शन आई थी, क्या हम शादियाँ करवा सकते हैं। तो माँ शूलिनी के आशीर्वाद से हमारी संस्था ने इसे कहा कि हाँ, शादियाँ करवानी चाहिए गरीब कन्याओं की जो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस प्रोसेस को हमने करते हुए आज हमारी 24वीं शादी करवा रहे हैं, जिसमें कि जो लड़की है उसका नाम संतोष है और वो सिरमौर से है, जो कि वो देवघाट सोलन में रहते हैं पिछले 18 सालों से। और जो लड़का है वो अमित है, वो नभोल से है। जो भी लोग आते हैं वो ये सब सिस्टम अपने लिए ही करते हैं, अपने आप ही खुद अरेंज करते हैं। हम सिर्फ उनका जो कार्यविधि है और बाकी उनकी हेल्प है वो सब करते हैं, बाकी वो जो विवाह करना और कोई डेट निकालनी वो उनका काम होता है। पर इसी में शुभ संकेत तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर सावन के महीने में जो हम शादी करा रहे हैं, ये भगवान करें ये माँ शूलिनी के आशीर्वाद से ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रगति करें और इनका सुखमय वैवाहिक जीवन हो। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।